दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट पावर में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास रहने वाली है जो दिल्ली पुलिस 2020 की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपको दिल्ली पुलिस 2020 की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, GK और करंट अफेयर्स के लिए। और दोस्तों इसी के साथ ही आपको कौन सी टेस्ट सीरीज आपको यूज करनी चाहिए, कौन सा प्रैक्टिस सेट यूज करने चाहिए और कौन से सॉल्ट पेपर आपको लगाने चाहिए। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको SSC की एक ऐसी रामबाण विधि बताऊंगा जिससे कि आप SSC का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात बताई गई है। देखिए पार्ट ए में यह जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स का पोर्शन रहने वाला है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हैं और यह 50 नंबर के रहने वाले हैं। पार्ट बी में यहाँ पर रीजनिंग है और इसमें भी 25 क्वेश्चन हैं जो कि 25 अंक के बताए गए हैं। पार्ट सी इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन और 15 नंबर के बताए गए हैं। पार्ट डी कंप्यूटर में यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 10 है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 10 बताए गए हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें 90 मिनट का टाइम है, यानी कि आपको 1.5 घंटा मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो दोस्तों बुक्स के बारे में बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट की बुक बताऊंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए आपको US शेखावत सर की ये बुक है, ये बहुत शानदार बुक है US शेखावत सर की। मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसको ले लीजिए। इस बुक में दोस्तों आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की रीजनिंग कम्प्लीट मिलेगी। और देख लीजिए दोस्तों ये किन किन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आप किसी भी एक्सरसाइज को करने के बाद इसमें आपको ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी और जिसमें कि बिल्कुल SSC के जो लेटेस्ट पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका इसमें ज़्यादा समावेश किया गया है। SSC के प्रत्येक एग्जाम्स जैसे कि CPO, CGL और MTS, CHSL सभी के क्वेश्चन इसमें आपको ऑप्शनल टाइप में एक्सरसाइज के बाद मिल जाएंगे। तो दोस्तों रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए मैं आपको US शेखावत सर की इस बुक को सजेस्ट करता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों अब हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए आप मेरे अकॉर्डिंग दो बुक्स को मैं आपको सजेस्ट करूँगा। एक तो देखिए ये राकेश यादव सर की बुक है जो 7300+ के नाम से आती थी, लेकिन अब इसको 9700+ के नाम से इसको जाना जाता है और मार्केट में 9700+ के नाम से ही मिलती है। और इसके बाद ये देखिए दोस्तों करण पब्लिकेशन की बुक है। इन दोनों बुक्स में से आप जो लेना चाहते हो कोई सी भी बुक ले सकते हो। ये दोनों ही बुक SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बहुत ही खास हैं, क्योंकि इसमें SSC के पूछे गए अब तक के सभी क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। और दोस्तों इन दोनों के अंदर मैं आपको अंतर बताता हूँ। SSC की ये जो करण पब्लिकेशन की बुक है इसमें आपकी जो हल कर रखा है वह एक्स मान कर रखा है, लेकिन ये जो राकेश यादव सर की बुक है इसमें थोड़ा ट्री की बेस पर आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। जो भी बुक आपको अच्छी लगे प्रैक्टिस के लिए इन दोनों बुक्स में से आप किसी को भी ले सकते हो। बाकी ये ऑप्शनल टाइप की बुक है, समझने के लिए आपको किसी यूट्यूब चैनल या फिर आप कहीं कोचिंग ली हो तो उसकी सहायता से आप ले सकते हो। इन दोनों बुक्स के अंदर एक खास अंतर ये भी है कि ये राकेश यादव सर की बुक है इसमें लेटेस्ट वर्जन का ज़्यादा पोर्शन है, लेकिन ये जो करंट पब्लिकेशन है इसमें SSC के जब से क्वेश्चन पूछ रही है तब से और अब तक का सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कंप्यूटर के लिए। तो दोस्तों कंप्यूटर के लिए आप मेरे अकॉर्डिंग आप ल्यूसेंट पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हो, या फिर आप ल्यूसेंट की आपको पसंद नहीं है तो एक दृष्टि पब्लिकेशन के नाम से एक बुक आती है, वह संजय कुमार सर की बुक है। तो संजय कुमार सर की यह बुक आती है, आप इसको ले सकते हो। अब मैं इन दोनों में आपको अंतर बता देता हूँ। जो ल्यूसेंट पब्लिकेशन की ये बुक है इसमें आपको MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट को ज़्यादा खास अच्छे प्रकार से नहीं समझाया गया है, लेकिन ये संजय कुमार सर की बुक है इसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सबको अच्छी प्रकार से इसमें बताया गया है।
बाकी दोनों ही बुक अच्छी हैं, दोनों में ही बाद में ऑप्शनल क्वेश्चन हैं। ल्यूसेंट के अंदर जो प्रीवियस ईयर जितने भी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन दृष्टि पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो नहीं दिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये स्पीडी की जो बुक आती है वार्षिक अंक की, इसको आपको करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना चाहिए। यदि दोस्तों आपको ये बुक पसंद नहीं आती है तो इसके अलावा हम आपको ये जो रुक्मणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म के नाम से ये बुक आती है वार्षिक अंक, आप इसको ले लीजिए। दोनों ही बुक बहुत शानदार हैं। इन दोनों वार्षिक अंक बुक्स को पढ़ने के साथ साथ दोस्तों आपको कम से एग्ज़ाम से पहले कम से कम 6 महीने की करंट अफेयर्स का तो बहुत अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आपको जीके के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। जीके के लिए दोस्तों आपको ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक पढ़नी चाहिए। ल्यूसेंट पब्लिकेशन की यह बुक बहुत शानदार बुक है। इसमें दोस्तों सभी सब्जेक्ट को अच्छे प्रकार से बताया गया है, लेकिन इसमें ज्योग्राफी का कोई मैप नहीं दिया हुआ है। इसके लिए आपको एटलस या फिर अन्य किसी बुक की आपको मदद लेनी पड़ सकती है। थ्योरी के लिए तो आपको ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक मेरे अकॉर्डिंग तो पढ़नी चाहिए, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर घटना चक्र वाली जो ये बुक है एसएससी प्रीवियस ईयर के इसमें क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, आप ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक में से थ्योरी पढ़िए और इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। किसी टॉपिक को तब कंप्लीट माना जाता है जब उसकी थ्योरी को पढ़कर उसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस निकल जाएं। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी आती है तो आप इसके लिए यूट्यूब की मदद भी ले सकते हैं। आप यूट्यूब पर उसी टॉपिक को डालकर उसकी संपूर्ण थ्योरी को समझकर और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगाइए, 100% आपका वह टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको घटना चक्र वाली बुक के इसके ऑप्शनल क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते हैं तो आप ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए ल्यूसेंट पब्लिकेशन स्पेशल इसके लिए बुक है ऑब्जेक्टिव टाइप की, उस बुक को भी आप ले सकते हो। इसके बाद अब हम बात करते हैं एसएससी की रामबाण विधि क्या है। तो दोस्तों एसएससी की जो रामबाण विधि है वो यही है कि आप जितने इसके प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतनी ही आपको सफलता हासिल होने वाली है। और आपको टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो एक टेस्ट बुक के नाम से एक ऐप है, आप इसकी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, क्योंकि इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल एसएससी के पैटर्न को फॉलो करती है, यानी कि उसका पैटर्न बहुत शानदार है। यदि आप टेस्ट बुक पर भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो तो आपके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे उस पर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो टेस्ट बुक से अच्छा शायद कोई ऐप नहीं है। और दोस्तों आप ज़्यादा बुक खरीदने के बजाय आप किसी एक बुक को बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।